उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट का काम आखिरी मरहले में चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 2024 मार्च तक इस रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी। सभी टेक्निकल पहलुओं को जांच किया जा रहा है, लास्ट टच दिया जा रहा है। इस हवाले से नॉर्दर्न रेलवे के प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आशुतोष पंत ने बनिहाल में खड़ी सेक्शन का दौरा करके सभी चीजों का बारीकी से जायजा लिया। इस मौके पर जम्मू सेक्शन के अफसरान और तामीर एजेंसियों के अफसरान भी इस मौके पर यहां पे मौजूद रहे। ट्रैक और दीगर चीजों का जायजा लेने के बाद चीफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर ने सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग की, उन्हें जोरी हिदायत जारी की। बता दें कि जम्मू कश्मीर के हर तरफ खासतौर पर पहाड़ी, जंगलाती या मैदानी इलाके, वहां पे ट्रेन की रीच को पटरियों को बिछाने पर काम किया जा रहा है। ट्रेन की रीच को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सयाहों को भी आसानी हो और आम लोगों को भी फायदा मिले। सीधा रुख करेंगे खुर्शीद का, हमारे नुमाइंदे खुर्शीद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मर्तबा जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें होंगी उस पर भी खासा तवज्जो दिया जा रहा है और आखिरी टच में है सारी तैयारियां, क्या कुछ है तफसीलात? देखिए, जो नॉर्दर्न रेलवे अपनी कोशिश कर रहा है और वो कामयाब होती जा रही है। जैसे हमने पिछली बार भी केसर टीवी पे अपने दर्शकों को अपडेट दिया था कि ट्रायल रन हो चुका था, वो कामयाब रहा। उसके बाद लगातार जो है तब से लगातार इस सेक्शन पे जो विजिट हो रही है, बानीहाल खड़ी का जो एरिया 16 किलोमीटर का, तो आज भी इसी को लेके जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन का जो है ट्रायल दिया गया है, जिसका मुखी जो थे नॉर्दर्न रेलवे के प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर आशुतोष पंत जो थे, उन्होंने विजिट की है खड़ी से बनिहाल तक 16 किलोमीटर का। उनके साथ जो है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिट के इंजीनियर रहे और कहे कि टाइम पर जो है इस काम को सुलझाया जाए ताकि आम जो पैसेंजर है जिनको प्रॉब्लम हो जाती है नेशनल हाईवे से, वो अपने अपने मंजिल तक पहुंचे। तो ये जो रेलवे के काम है बहुत तेजी से चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले अगले 1-2 महीने में जो है पैसेंजर ट्रेन जो है बारामूला से बानीहाल होते हुए खड़ी स्टेशन तक पहुंचेगी और उसके अलावा जो सुमड़ का स्टेशन है और जो एक सेक्शन है आने वाले आखिर के जो जनवरी का महीना है उसमें भी ट्रायल रन जल्दी दिया जाएगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। तो इस पे नॉर्दर्न रेलवे के अफसरान जो है, इरकॉन इंटरनेशनल के अफसरान जो है, रात दिन एक करके जो है लगातार कोशिशें ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ये काम मुकम्मल हो ताकि भारतीय रेल जो है जम्मू कश्मीर कल आखिरी मरहले में है तैयारियों और तमाम कुछ सारी चीजें इस मरतबा देखने को मिल रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो 2024 आने वाला है उसके शुरुआती दौर में ही जनवरी, फरवरी, मार्च तक ही